भारत के बहुत शहरों में शुरू किया। हम हर जगह यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को शुद्ध खाने पीने को मिले, ताकि वो तो स्वस्थ रहें, तो डॉक्टर का तो खर्चा बचे, तो देश को लाभ हो, उनको भी लाभ हो। तो आपको ये सब चीजें आसानी से वहां मिल सकती हैं। आप कभी भी चले जाइए, ऑर्डर दे दीजिए, आ जाएगा। अब आपको ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि ये मिलता नहीं है, सब कुछ मिलता है। आपको संकल्प करना है, बस। हर चीज दुनिया में है, संकल्प लेने की बात है। हम ऐसा संकल्प करके अपना जीवन बिताना शुरू करें, आपका हजारों लाखों रुपए का दवा का खर्च बचे और देश का करोड़ों रुपए का दवा का खर्च बचे। मैंने एक दिन हिसाब लगाया था, सब हिंदुस्तानी स्वस्थ हो जाएं तो साल में 7 लाख करोड़ रुपए बचेगा, और इतने रुपए से सोना खरीद लिया जाए तो राजस्थान के हर गांव की सड़क सोने से बन जाएगी, तो 30 साल में भारत के सब राज्य की सड़क सोने से बन जाए और भारत सोने की चिड़िया हो जाए। तो हम तो सुखी हो ही जाएंगे, देश समृद्धशाली हो जाए, तब शायद ये सूत्र हम कह पाएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये कहना ठीक है, अपने जीवन में उतारना उससे भी ज्यादा ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपसे कही, आपको अच्छी लगी तो आज से पालन करिए। आप ये शिकायत कर सकते हैं कि ये हम भूल गए, तो क्योंकि बहुत लोग कहते हैं 2 घंटे तो याद रहता फिर उसके बाद भूल जाते, ये एक और बीमारी है सबको। तो क्या करना, तो ये सब बातें छोटी छोटी पुस्तकों में हमने लिखी हैं। आप बाहर जाएंगे तो एक स्टॉल लगा हुआ होगा, वहां पर छोटी छोटी किताबें हैं, 100 पन्ने की, 125 पन्ने की। किताबों के नाम कुछ इस तरह के हैं, स्वदेशी चिकित्सा, सौंदर्य चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा, अहिंसात्मक चिकित्सा, ऐसी 5-6 तरह की किताबें हैं। आप ले जाइए, उनमें ये सब है जो मैं बोल रहा था। कभी भूल जाए तो पढ़ लीजिए उनको, और अच्छा लगे तो किताबें अपने पड़ोसियों को भी दे दीजिए पढ़ने के लिए, तो उनको भी लाभ मिल जाएगा। किसी को गिफ्ट में दे दें तो और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से इनको थोड़ा फैला दीजिए। तो अभी तो बहुत थोड़े लोगों ने मेरा व्याख्यान सुना, लेकिन अगर इन किताबों के माध्यम से आप चाहें तो हजारों लोगों तक ये विचार पहुंच सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस विचार से परिचित हों और अपने जीवन में इसका उपयोग करने लगे तो देश का जरूर भला हो जाएगा। और हम हमेशा ध्यान ये रखें, क्योंकि भैंस का घी खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल ही है जो हार्ट अटैक लाता है। शरीर में 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल है, एक अच्छा और एक खराब। एक होता है HDL हाई डेंसिटी वाला, और एक होता है VLDL वेरी लो डेंसिटी, और एक होता है LDL लो डेंसिटी। ये VLDL और LDL खतरनाक है, ये भैंस के दूध और घी से बढ़ता है, और HDL गाय के दूध और गाय के घी से बढ़ता है। जिनको HDL अच्छा रहेगा उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो इसलिए दूध भी गाय का और घी भी गाय का। क्योंकि मुझे इतना दुख होता है कि भारत में हर साल 55 लाख हार्ट अटैक आते हर साल, और डॉक्टर सबको ऑपरेशन में भेज देते हैं। ऑपरेशन में पहला चरण होता है एंजियोग्राफी, उसमें खर्चा लगता है। फिर वो बताते हैं यहां यहां ब्लॉकेज है, तो कहते हैं एंजियोप्लास्टी करो। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, 1.5-2 लाख रुपए खर्च होता है। एक छोटी सी स्प्रिंग है, स्टंट उसको कहते हैं, वो रक्त देने वाली नली में डाली जाती है। वो स्प्रिंग 3 रुपए में बनती है और 1.5 लाख रुपए आपसे ले लेते हैं। आपने देखा है बॉल पेन में एक स्प्रिंग होती है, बस वही है, उस पर मेडिकेशन है, मैंने दवा लपेटी हुई है, 3 रुपए का खर्चा है, 1.5 लाख रुपए आपसे ले लेते हैं। अब वो स्प्रिंग की तकलीफ क्या है, वो 6 ही महीने काम करती है। जहां वो डाली गई है स्प्रिंग, वहां तो खुली है नली, आगे पीछे फिर ब्लॉकेज आ जाता है। 6 महीने बाद फिर स्थिति वही हो जाती है, फिर डॉक्टर कहता है जी अब तो बाईपास करा लो। फिर बाईपास में 3-3.5 लाख का खर्चा, बाईपास 1 साल ही चलेगा, फिर कहेगा ओपन हार्ट सर्जरी करा लो, उसमें 4-5 लाख रुपए का खर्चा, फिर कहेगा जी अब कोई गारंटी नहीं है, आप कल मर सकते। तो इतना क्यों खर्चा कराया भाई हमारा। तो डॉक्टर के पास तो अंत में एक ही शब्द है, गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन लौकी के पास गारंटी है, दूधी के पास गारंटी है। जो रोज आधा गिलास दूधी का रस आप पीते रहो तो गारंटी है कि आप हार्ट अटैक से तो नहीं मरोगे, कार्डियक अरेस्ट तो नहीं होगा आपको, ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं आएगा, पैरालिसिस तो नहीं ही होगा, डायबिटीज से आप नहीं मरेंगे, बाकी कुछ और हो जाए तो बातल है। लौकी के पास गारंटी है, इसलिए उसको घिया कहते हैं। कुछ ऐसा घी है उसमें, माने कुछ ऐसे केमिकल्स हैं उसमें जो अद्भुत काम करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन है, और यही सब इन काम के लिए जरूरी है, हार्ट अटैक से बचाने के लिए। और बाकी कच्ची लौकी खाएं तो बहुत अच्छा होता है, सलाद में लौकी खाएं तो और भी अच्छा है,
लौकी के साथ तुरई काट के खाएं, टिंडा काट के खाएं, कच्चा कच्चा, तो और भी काम करेगा, अद्भुत पता चल गया है। पहले तो आयुर्वेद में ये था कि जितने भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आने का चांस है, या कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, दोबारा उसको रोकना है, सबसे अच्छा है लौकी का रस। एक कप लौकी का रस, अगर थोड़ा पुदीना थोड़ा धनिया का पत्ता का रस मिला के पीते रहो सवेरे सवेरे, 3 महीने के बाद कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगा आपको, सब रिवर्स हो जाता है। और वो डीन ओरनिश वहां अमरीका में यही पिलाता है। अब लौकी तो होती नहीं, तो भारत से लौकी मंगवाता है, हवाई जहाज में लौकी भर भर के जाती है डीन ओरनिश की, अद्भुत है लौकी। लौकी की बेल घर में रखो, बहुत अच्छा है।